देखिए बेटा, उससे भी ज़्यादा वोटें मिलेंगी। असल जो मुद्दा है वो है कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन बनना है। तो जो देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को वोट करेंगे, एक तो वो मुद्दा है, उनको लोग वोट देंगे, क्योंकि उनके मुकाबले में कोई प्राइम मिनिस्टर बनने का कैंडिडेट है नहीं। राहुल गांधी को कहते हैं, वो तो कोई तजर्बेकार ही नहीं है। सरकार को ऐसे तो नहीं चलती कि कोई बैठ जाए, आप बैठ जाएं, ये बैठ जाएं तो फिर सरकार चल जाएगी। वो तो कोई तजर्बेकार पॉलिटिशियन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा होता है। मोदी साहब को 20 साल तो अपनी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं और अब 5 साल के हैं। तो राहुल गांधी तो एक दिन भी मिनिस्टर नहीं रहा, कुछ और नहीं रहा। दूसरा, मोदी साहब ने इन 5 सालों में अपने देश का नाम बड़ा ऊंचा किया है और देश में ऐसी अच्छी अच्छी स्कीमें चलाई हैं, और ख़ास करके जो स्ट्राइक्स किए हैं इन्होंने पाकिस्तान के मिलिटेंट्स के अड्डों पर, वो तो एक 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 ऐसी चीज़ है, सारी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। तो हर चीज़ में वो को मुकाबला ही कोई नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन के दौरान, जो बीजेपी का भी प्रथम मुद्दा रहा है विकास पे। लेकिन हमने भटिंडा में ये देखा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत कॉन्फिडेंटली बाहर आ रही है, और इसका रीज़न ये है कि सब कह रहे हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहिब के साथ 2015 में हुआ था उसकी जिम्मेदार अकाली दल है। आप क्या बोलना चाहें? देखिए, ये ऐसे ही इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया है। देखिए, अगर ये मुद्दा लें तो कांग्रेस ने तो हरमंदर साहब पर हमला किया है, दरबार साहब पर उन्होंने हमला किया है, वहाँ गुरु ग्रंथ साहब की सवारी सी वो की है, वो तो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर के आर्डर से हुआ है ना। और अकाल तख्त साहब टाटागिरी कर दिया, पवित्र सरोवर जो है खून से लाल हो गया, ये हमने को खुद तो नहीं किया, वो कहते उनकी सरकार में हुआ। अब इनकी सरकार में कई केसेस हो गए, तो सरकार ने तो नहीं ना कुछ किया। वैसे गलत प्रोपेगेंडा है, जो कुछ कह देते हैं प्रेस, ये आप लोग मजबूरी आप शाया कर देते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, चाहे वो सैम पिट्रोदा के कमेंट हो 1984 पर या नवजोत सिंह सिद्धू के कमेंट हो पाकिस्तान को लेकर, आपको लगता है कांग्रेस के ये जो बड़े नेताओं ने आके इस चुनावी दौरान में ये जो कमेंट करे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट पंजाब पे पड़ेगा, उसकी वोटों पे पड़ेगा पंजाब? भाई, वो जिसका नाम तुम लिया, हमने उसका नाम भी नहीं लेना चाहते। वो कांग्रेस इस नेहरू परिवार का राइट हैंड मैन है, जिसने कहा है, मतलब जो नेहरू परिवार का दिमाग है वही उसका दिमाग है।